गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ का थर्ड चैप्टर ए ट्रिप टू भोपाल। पहले वीडियोस में हम क्या देखे थे, वेटिंग फॉर द बसेस एंड देन नर्मदा रिवर, पेट्रोल पंप सब देखे थे। अभी टू भीमबेटका, आफ्टर द बसेस आर रीफिल द जर्नी स्टार्ट्स अगेन। बसेस पेट्रोल पंप में पेट्रोल फिल करने का बाद द जर्नी स्टार्ट्स अगेन। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। चिल्ड्रन क्या बोल रहा है, अभी भीमबेटका में रुकेंगे। अंजन, व्हाट इज भीमबेटका, भीमबेटका मतलब क्या है। Miss Raina, it's a place with lots of caves and cave paintings made by people 10,000 years ago. 10,000 years ka pehle the people kya made kiya, caves and cave paintings are there. Wo place mein jahan caves hai usme acche se cave paintings hota hai. Sumanto, 10,000 years. Wo itna excitement mein bol raha hai. 10,000 years. I cannot even think of 1,000 years back. वो क्या बोल रहा है, 1,000 ईयर्स का पहले मेरे को नहीं सोचने का हो रहा है, 10,000 ईयर्स ऐसे बोल रहा है। गोपी क्या बोल रहा है, ओ 1,000 ईयर्स इज अ बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। वो क्या बोल रहा है, 1,000 ईयर्स इज अ बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में नहीं सोच सकता है। गौरी क्या बोल रहा है, आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज 100 ईयर्स ओल्ड। गौरी क्या बोल रहा है, मेरे को 100 ईयर्स सोच सकता है, क्यों, मैं माई फादर्स ग्रैंड मदर, मेरा पापा का ग्रैंड मदर है ना, उसको वो दादी का 100 ईयर्स ओल्ड है, 100 ईयर उम्र है। मंजित क्या बोल रहा है, दैट मीन्स दोस केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। मंजित क्या बोल रहा है, दैट मीन्स द केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। वो केव्स का उम्र क्या है, 100 ग्रैंड मा का उम्र का ज्यादा है, ऐसे बोल रहा है। एवरीबडी बस्ट इनटू लाफ्टर, हा 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 ऐसे सब हंस रहा है, ठीक है वो बोलने का बाद। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग्स, सब चिल्ड्रन बहुत एक्साइट हो रहा है वो केव पेंटिंग्स को देखने का, ठीक है। इट इज अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। भीमबेटका कब पहुंच गए, 11 o'clock, 11 o'clock भीमबेटका पहुंच गए, ठीक है। एंड वाव, इवन 10,000 ईयर्स अगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स दैट टू ऑन रॉक्स। 10,000 ईयर्स का पहले पीपल इतना लवली पेंटिंग्स बन रहा है, द टू ऑन रॉक्स, बड़ा बड़ा पत्थर में इतना लवली पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर देयर, आई से बहुत एक्साइट में वो बोल रहा है। ओ दीज रॉक्स आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, ये रॉक्स को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, थाउजेंड उम्र होता है इसको। एंड शंकर क्या बोल रहा है, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज वेरी बिग बाइजन्स, हे आई गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बाइजन्स एंड यू काउंट द डीर इन द पेंटिंग्स। शंकर क्या बोल रहा है, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज बाइजन्स, देखो इसमें बाइजन्स है, डीर्स है। वो क्या बोल रहा है, आई गॉट एन आइडिया, मेरे को एक आइडिया है, क्या आइडिया है, आई विल काउंट द बाइजन्स, मैं बाइजन काउंट कर रही हूँ एंड यू काउंट द डीर इन द पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स में कितना डीर है वो काउंट करना। एंड मूनमाला, मनोमाला क्या बोल रहा है, आई विल काउंट पीपल, मैं पीपल को काउंट कर रही हूँ, लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइजन्स डीर आर पीपल। वो क्या बोल रहा है, लेट अस सी बाइजन्स ज्यादा है, डीर ज्यादा है, पीपल ज्यादा है, हम काउंट करना है, ऐसे मनोमाला बोल रहा है। अभी देखो ये काउंट कर रहा है, 34, 35, 36, 37, आई गॉट 37 बाइजन्स है, इसका पास 37 बाइजन्स मिल रहा है। एंड 112, 113, 114 आई गॉट 117 डीर है, उसका पास 117 है, ये ऐसे वो बहुत खुश हो रहा है, क्यों खुश हो रहा है, उसका पास खाली 37 बाइजन्स मिल रहा है, इसका पास 117 डीर्स मिल रहा है। ओके, हाउ मेनी मोर डीर आर देन देन बाइजन्स, वो क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर डीर आर देयर देन बाइजन्स, बाइजन्स का कितना ज्यादा डीर है, हमको डीर कितना है पता है, बाइजन्स कितना है वो पता है, सो इसका डिफरेंस ढूंढना, डिफरेंस मतलब सेपरेट करना है हमको, कितना डिफरेंस आता है। देखो अभी डीर कितना है, 117 डीर है, बाइजन्स कितना है, 37 बाइजन है, सो डीर आर देयर देन बाइजन्स, 80 मोर डीर, क्या लिखना है, देयर आर 80 more deer than bisons. Okay, 80 more deer
मिलता है एंड बट गुणमाला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डीर एंड बाइसन टुगेदर हर काउंट इज लेस देन 200। वो क्या बोल रहा है, गुणमाला इज द हैप्पीएस्ट, उस ज्यादा खुश हो रहा है, क्यों, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डीर एंड बाइसन टुगेदर, मतलब नंबर ऑफ डीर बाइसन दोनों मिलाकर कितना होगा, हम डिफरेंस पहले ढूंढ लिया 80 आ गए, अभी दोनों मिलाकर ऐड करना है 117 प्लस 37, 7 प्लस 7 14, 151, 154 आ रहा है, सो दोनों मिलाकर नंबर ऑफ डीर एंड बाइसन दोनों मिलाकर 154 आ रहा है। वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डीर एंड बाइसन टुगेदर, दोनों का मिलाकर ज्यादा है पीपल, सो पीपल इज ग्रेटर देन, नंबर ऑफ पीपल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ डीर एंड बाइसन टुगेदर। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, देयर काउंट इज लेस देन 200, पीपल 200 का कम है, सो 200 का कम है पीपल, अभी समझ गए, 154 को ज्यादा है पीपल, 200 का कम है, सो 154 से 200 का बीच में पीपल आ गए, अंडरस्टैंड। अभी देखो हाउ मेनी पीपल मस्ट गुणमाला हैव काउंटेड, गुणमाला कितना पीपल काउंट हो गए वो नहीं पता थी, अभी हम ढूंढना है, हमको पता है 154 का ऊपर है 200 का कम है, सो इसमें चार ऑप्शन दिया 214, 200 का कम है ना, सो ये नहीं आंसर नहीं होगा, 154 को ज्यादा मैं बोलती है, सो ये आंसर भी नहीं होगा, 134 का ज्यादा मैं बोल रही हूँ, 134 कैसे आ गए, सो वो भी नहीं आ गए, सो 177 ये आंसर है, अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल, गाइड मतलब कौन है, टूरिस्ट स्पॉट में गाइड होता है ना, क्या वो क्या प्लेस में क्या स्पेशलिटी है, क्या इम्पोर्टेंट है वो, क्या उसमें कितना केव पेंटिंग्स है, सब डिस्क्राइब करना है उसका इम्पोर्टेंस, क्या कितना वर्ष का पहले होगा, सब वो एक्सप्लेन करने वाला का नाम क्या है, गाइड। ओके सब टूरिस्ट स्पॉट्स में गाइड होता है, ओके द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल, वो केव में 600 केव पेंटिंग्स होता है, एंड देन सब देखे थे, अभी क्या हो गई, इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका, भीमबेटका में जाने का टाइम हो गए, ओके एंड दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर, भीमबेटका में 1 आवर स्पेंड किया सब लोग, व्हाट टाइम इज इट, भीमबेटका में कब पहुंच गए हमको पता है ना, 11 o'clock पहुंच गए, 1 आवर इधर स्पेंड होगा, अभी 11 o'clock प्लस 1 आवर 12 o'clock, अभी टाइम क्या है 12 o'clock, ओके अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स भोपाल, भोपाल जाने का शुरू होगा, दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर, 1 आवर का लेस देन क्या, 1 आवर का अंदर वो भोपाल पहुंच जाएगी, एट अबाउट 10 o'clock, 12 o'clock, अभी नाउ द टाइम इज 12 o'clock, सो 1 आवर को प्लस किया 12 o'clock प्लस 1 आवर 1 o'clock, 1 o'clock में वो क्या भोपाल पहुंच जाएगी। एंड देन अभी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30 का ऊपर लंच टाइम, लंच टाइम हो गए, द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स, सबको भूख लगे ना, सो क्या कर रहा है, सब लंच पैक्स निकाल रहा है, बिस्किट्स ऑरेंजेस एंड बनानास आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस, बसेस में बिस्किट्स ऑरेंजेस एंड बनानास डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कौन, स्कूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, स्कूल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिस्किट्स ऑरेंजेस एंड बनानास, ओके एंड ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 ऑरेंज 1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स, ईच एंड एवरी चाइल्ड को क्या क्या मिल रहा है, 1 ऑरेंज 1 बनाना 5 बिस्किट्स मिल रहा है, ओके एंड ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स, सब चिल्ड्रन ऑरेंजेस बिस्किट्स ले रहा है, बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानास, 38 चिल्ड्रन मना कर रहा है मेरे को केला नहीं चाहिए ऐसे बोल रहा है, ओके एंड हाउ मेनी ऑरेंजेस बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड, स्कूल में कितना बनानास कितना ऑरेंजेस कितना बिस्किट्स वो डिस्ट्रीब्यूट किया वो हम कैलकुलेट करना है, ओके फर्स्ट ऑरेंजेस कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑरेंजेस नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना, हमको पता है ये लेसन का स्टार्टिंग में कितना चिल्ड्रन टूर जा रहा है कितना चिल्ड्रन पिकनिक जा रहा है हमको पता है, टोटल चिल्ड्रन 210 चिल्ड्रन है,
210 चिल्ड्रन पिकनिक जा रहा, सो टोटल चिल्ड्रन 210 है। ओके 210 में ईच एंड एवरी चाइल्ड को ऑरेंज मिल गए, सो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना 210 ऑरेंज स्कूल वाला डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके कितना बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया, ईच एंड एवरी चाइल्ड को 5 बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया, सो 210 इंटू 5 करना। ओके 0 5s are 0, 1 5s are 5, 2 5s are 10, 1050 आंसर आ रहा। सो 1050 बिस्किट्स बच्चे को स्कूल वाला डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड देन बनानास, बनानास कितना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, 38 बच्चे मना किया ना, उसको नहीं चाहिए बोलती है क्या बनानास, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ देखो 210 38 बच्चे मना कर रहा है उसको मैं सबट्रैक्ट कर रही हूँ, 10 होगा 0 10 होगा बारो करने का बाद, 10 minus 8 2 2 1 होगा बारो करने का बाद, 0 10 होगा 10 minus 3 7 1 172 बच्चे को बनानास मिल गए। अंडरस्टैंड, एंड देन ये क्वेश्चन को हम आंसर दिया, नंबर ऑफ ऑरेंजेस 210, नंबर ऑफ बिस्किट 1050, नंबर ऑफ बनानास 172। एंड देन नेक्स्ट मंजीत एंड बानू क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पसल्स टू पास द टाइम। ओ क्विकली वो लंच जल्दी खाने का बाद क्या कर रहा है, पसल्स टाइम पास करने के लिए पसल्स पूछ रहा है। एंड देन मंजीत टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 and 150, 100 and 150 का पीच में एग्जैक्टली क्या नंबर पीच में आ रहा है, ऐसे मंजीत पूछ रहा है। हमको पता है 100, 150 का पीच में क्या नंबर पीच में आता है, 125 हमको पता है ना, तो अभी 0 से 100 तक क्या नंबर पीच में आ गए 50, पीच में हम इजिली ढूंढ सकता है, 1 से 10 का पीच में क्या है 5, ऐसे हम इजिली ढूंढ सकते हैं, इधर से 25 निकालो इधर से 25 निकालो, 125 है पीच में। ओके अभी बानो क्या बोल रहा है 120, मंजीत क्या बोल रहा है नो 130, नो इट इज 125 ऐसे पूछ रहा है बानो। मंजीत राइट, ओके यू आस्क नाउ, अभी 125 हमको भी 125 आंसर आ गए, राइट ओके यू आस्क नाउ, अभी तू क्वेश्चन पूछो ऐसे मंजीत बोल रहा है। ओके अदर चिल्ड्रन ज्वाइन, सब चिल्ड्रन भी बाकी चिल्ड्रन भी ज्वाइन कर रहा है, अदर चिल्ड्रन भी, एवरीवन इज आस्किंग पसलिंग क्वेश्चंस, सब पसल्स पूछ रहा है, अभी फर्स्ट पसल कम देखना है। आई गेव 4 टॉफीज टू ईच टू 4 ऑफ माय फ्रेंड्स एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी, हाउ मेनी टॉफीज डिड आई हैव। वो क्या क्वेश्चन है, वो 4 फ्रेंड्स को 4 टॉफीज दे रहा है, 4 टॉफीज, एंड देन उसका पास 3 टॉफीज बाकी है, उसका पास कितना टॉफीज पहले है ऐसे क्वेश्चन है। ओके अभी क्या करना है, 4 फ्रेंड्स को 4 टॉफीज दिया, सो 4 4s are 16। ओके 3 टॉफीज उसका पास अभी लेफ्ट है, उसका पास अभी रिमेनिंग है 3 टॉफीज, सो दोनों का प्लस किया क्या होगा 6 plus 3 9 1 19 टॉफीज उसका पास पहले से है, सो टॉफीज क्या है उसका पास, कितना टॉफीज पहले से है 19 टॉफीज है। अंडरस्टैंड, बी सी डी ई बाकी, बी सी डी ई 4 पजल बाकी है, वो 4 पजल हम नेक्स्ट वीडियो में देखना है। ओके अभी मैं क्या क्या पढ़े थे मैं दूसरा बार बोल रही हूँ, अच्छे से सुनो। टू भीम बेटका में स्टार्ट हो गए, स्टार्ट होने के बाद क्या हो रहा है, उधर केव पेंटिंग सब काउंट कर रहा है, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस सम्स है, एंड देन लंच टाइम उसमें कितना ऑरेंजेस बिस्किट्स बनाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो भी हम कैलकुलेट किया, फिर एक पसल हम कैलकुलेट किया, बाकी पसल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करना है। ओके okay?